पर एक नौजवान शायर से आपको मिलवाता हूँ जो नई दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। नाम है उनका संदीप सज्जन। इन दिनों उनकी गजलों की बड़ी धूम है पूरे हिंदुस्तान में। एक बड़े शायर ने कहीं पर लिखा कि बेहतर से खूब खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समांदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जोरदार ताली हो जाइए। मैं श्री संदीप सज्जन आए और अपनी गजल का परिचय इन उस्ताद गजलकारों के बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री संदीप, आदरणीय शशिकांत यादव जी बड़े भाई हैं। परिचय दिया कि मैं दिल्ली से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ भाई देव साहब को कि बहुत ही अच्छा आयोजन और बहुत ही सुंदर दो पुस्तकें यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली से एक दिलवाला आया है और जैसा कि ये शहर है आपका मुंबई मोहब्बतों का शहर है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ मोहब्बतों का शहर है क्योंकि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी अब सारी मोहब्बत यहीं से सप्लाई हो रही है। और ये आलम है कि एक सीरियल 8-8 साल से चल रहा है और प्यार मोहब्बत के दम पे चल रहा है। मैंने पूछ लिया एकता कपूर जी से कि ये सीरियल में प्यार मोहब्बत और 8 साल से इनकी शादी क्यों नहीं करा देते, तो जवाब ये मिला कि जिस दिन शादी करा दी उस दिन सीरियल भी बंद और प्यार मोहब्बत भी बंद। तो आप सबकी मोहब्बतों को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां उठाता हूँ मोहब्बत से कि हमारे देश में मोहब्बत क्यों नहीं हो पा रही, और फिर अपनी गजल जैसा कि तारुफ किया है जैसा कि परिचय दिया है मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि मोहब्बत बांटने वाले, मोहब्बत बांटने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, मोहब्बत बांटने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, बहुत से जहनो दिल काले इधर भी हैं उधर भी हैं, कि मोहब्बत बांटने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, बहुत से जहनो दिल काले इधर भी हैं उधर भी हैं, सियासतदां हैं ये इनको किसी मजहब से क्या मतलब, ये नफरत बेचने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन मिले, ना पहुंचे तो और जोरदार तालियों से समर्थन मिलना चाहिए ताकि ये भरम मेरा भी बना रहे कि आप तक बात पहुंच रही है, आप बात समझ रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां प्यार मोहब्बत की पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचे तो बताइएगा। तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, इस कदर लाजवाब हो जाऊं, तुझको रख लूं छुपा के दुनिया से, तेरे रुख का नकाब हो जाऊं, तेरे रुख का नकाब हो जाऊं। और मोहब्बत की जाए प्यार किया जाए तो बड़ी शिद्दत से किया जाए, और मैं 2 पंक्तियां मोहब्बत की शिद्दत की और 2 पंक्तियां कि जब मोहब्बत होती है तो कैसी स्थिति आपके आस पड़ोस की, आपके भाई, आपके पड़ोसियों, आपके दोस्तों की इनायत आप पर होती है। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, फिर एक गजल पढ़ के अपना स्थान लूंगा समय सीमा का ध्यान रखते हुए। अपनी चाहत का ये असर देखा, अपनी चाहत का ये असर देखा, मैंने मंजिल को राह पर देखा, अपनी चाहत का ये असर देखा, मैंने मंजिल को राह पर देखा, जल गए देख कर उधर कितने, उसने एक नजर उसने
जो इधर देखा, एक नजर उसने जो इधर देखा। एक गजल जिंदगी को लेकर के मैंने कही और वो गजल काफी पसंद भी की गई, मैं आप तक पहुंचाता हूं। बहुत साहित्यकार लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उन तक अगर बात पहुंचती है तो उनका समर्थन चाहता हूं। गजल प्रस्तुत करता हूं। एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी, एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी, एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। कैसे होती है, कैसे होती है तुझ बिन बसर जिंदगी। एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। जिंदगी की सच्चाइयां इस गजल में कही हैं और आप लोग यकीन मानिए इस तरह से डूब के भी सुन लेंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अगर बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट भी मुझे मिले, मुझे समर्थन मिले तो मैं आगे पढ़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ से हाथ छूटा है जब से तेरा, हाथ से हाथ छूटा है जब से तेरा। ढूंढता हूँ तुझे, ढूंढता हूँ तुझे दर बदर जिंदगी। एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। आजकल के महानगरीय जीवन में जिंदगी की एक सच्चाई दो मिसरों में कहने की कोशिश की कि रूह से दिल से रिश्ता रहा ही नहीं, रूह से दिल से रिश्ता रहा ही नहीं, रूह से दिल से रिश्ता रहा ही नहीं। लोग जीते रहे, लोग जीते रहे जिस्म भर जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रूह लोग जीते रहे, लोग जीते रहे जिस्म भर जिंदगी। एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। एक जिंदगी। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा बजाइए, अच्छे से बजाइए, जम कर बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सच्चाई जिंदगी के साथ जो जुड़ी है जिसे हम मानने को तैयार नहीं, और वो सच्चाई है मौत की। और इस छोटी उम्र में मौत की सच्चाई को मैंने दो शेर में कहने की कोशिश की है और ये गजल मैं स्पेशली विशेष तौर पे यहां इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि सामने बहुत सारे साहित्यकारों का परिचय दिया गया, वो बैठे हुए हैं और ये शेर पढ़ता हूं। अगर आप तक बात पहुंचे तो साहित्यकारों की तरफ से मुझे समर्थन चाहिए। शेर सुनिएगा। सांस बोझल हुई जिस्म भी थक गया, सांस बोझल हुई जिस्म भी थक गया, सांस बोझल हुई जिस्म भी थक गया। मौत बोली, मौत बोली के चल मेरे घर जिंदगी। एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। हम लोग सब सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं, हिंदूवादी मान्यताओं के, प्राचीन मान्यताओं के मानने वाले लोग हैं और हमारी मान्यता में
ये भव सागर है और इससे पार उतरना, ईश्वर के पास पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य है। और तब ये शेर कहता हूं, आप लोगों की आप लोग साक्षी मान करके ये शेर कहता हूं और सुनिएगा। मौत ने एक मुकम्मल ठिकाना दिया, मौत ने एक मुकम्मल ठिकाना दिया, अब नाना अब नाना उधर से इधर जिंदगी, एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। अंतिम शेर पढ़ता हूं अपने काव्य पाठ का, और अंतिम शेर में जिंदगी की परिभाषा देने की कोशिश करता हूं कि जो कहीं भी ठहर जाए शय और है, शय कहते हैं वस्तु को, कि जो कहीं भी ठहर जाए शय और है, जो कहीं भी ठहर जाए शय और है, ऐ शजर है मुसलसल सफर जिंदगी, एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी, एक नजर देख ले तू इधर जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से इस गजल को सुना।